हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू लर्न। और लास्ट क्लास में हमने पैरामीटर के क्वेश्चंस किए थे। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, आज वाली जो क्लास है, इसमें हम एरिया को समझेंगे। एरिया है क्या, एरिया का मतलब क्या है। द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। मतलब अमाउंट ऑफ सरफेस, ये हमारी, मान लो कोई ये हमारी सरफेस ही है पूरी की पूरी, तो इस सरफेस को एनक्लोज यानी कि बंद कर दिया जाता है किसी भी क्लोज्ड फिगर से, बंद फिगर से। तो उसके अंदर जो कुछ बचता है वो क्या होता है, एरिया। ये है इस, ये हमने कोई सर्कल बना दिया तो इसके अंदर ये सरफेस आ गई, ये क्या हो गया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ये हमने एक और सर्कल बनाया तो इसके अंदर जितनी कुछ ये बंद हो चुका है सरफेस, वो क्या हो गया, इसका एरिया। ये हमने एक अजीब सी शेप बनाई है, इस क्लोज्ड शेप है क्योंकि ये बंद है इसलिए क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ ये बंद हो गया, ये क्या हो गया, सरफेस, एरिया। ये पत्ती टाइप बनाया गया है, ये भी क्या बन गया, पत्ती से एरिया गिर गया। ये हमने स्टार बनाया, स्टार से भी क्या हो गया, ये सब सरफेस घिर गई है, और ये जो सरफेस घिर गई है, एनक्लोज्ड हो गई, ये क्या हो गया, एरिया या फिर क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसी तरीके से जब रेक्टेंगल बनाया जाता है, तो हमने ये रेक्टेंगल बना दिया, हमें पता है 90 डिग्री पे होते हैं सब, बताया था मैंने लास्ट लास्ट क्लास में। ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, और कहीं भी अगर इन्हें आगे बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को नहीं काटती। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, जब इसकी लंबाई को इसकी चौड़ाई से गुणा कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो क्या निकल के आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया का रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, हमारा स्क्वायर, स्क्वायर हमें पता है ऐसा हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर में चारों साइड क्या होती हैं, बराबर, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इस साइड को दूसरी साइड से गुणा कर दो तो हमारा क्या आ जाता है, एरिया। साइड इंटू साइड क्या होता है, एरिया, ए इंटू ए, या फिर ए स्क्वायर भी से लिख सकते हैं, ये क्या हो जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। जैसे आपको रेक्टेंगल की लेंथ दे दी 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे दी 4 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 5 गुना 4, 5 चौक 20। अब ये भी सेंटीमीटर में था और दूसरा वाला भी सेंटीमीटर में था, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इनकी भी तो गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। 2 सेंटीमीटर हुए तो सेंटीमीटर के ऊपर 2 लिख देते हैं, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है। वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से जब एरिया ऑफ हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, मान लो आपको एरिया साइड दे दी 5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड गुना साइड होता है, 5 गुना 5, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो ये 5 गुना 5, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 और 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ, पहले लेंथ दी है तो पहले वाली लेंथ है, दूसरी ब्रेड्थ दिया है तो दूसरे वाली ब्रेड्थ होगी, ठीक है। रिस्पेक्टिव मतलब क्रमशः, इसके बाद ये है तो इसके बाद ये है, यानी लेंथ हमारी ये होगी, ब्रेड्थ हमारी उसके बाद वाली हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया है, लेंथ उसमें दी है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दी है 4 सेंटीमीटर, हमें पूछा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 12 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, प्लॉट किस तरीके का है, स्क्वायर है, वर्ग है, है ना, उसकी साइड 8 है तो चारों साइड 8 ही होंगी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, यानी कि साइड कितनी, 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर, तो 8×8=64 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। तो इस स्क्वायर प्लॉट का एरिया भी क्या होगा, 64 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोला है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड है, कैसा है वो, शेप कैसी है उसकी, रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। हमें एरिया दे दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें एरिया दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कहा है इट्स लेंथ इज 9, लेंथ क्या दी है, 9 सेंटीमीटर दी है, लेंथ दी है 9 सेंटीमीटर, विड्थ यानी कि ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई हमें निकालनी है, ब्रेड्थ हमें निकालनी है, ठीक है। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। और
एरिया हमें 36 दे रखा है, लेंथ के नीचे लेंथ लिख दी, बी ब्रेड्थ को हमने क्या मान लिया, बी ही मान लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, 36 इक्वल टू के इधर 9, 9 क्या है, बी के साथ मल्टीप्लाई में है। तो जब भी कोई चीज़ इक्वल टू के दूसरी साइड में जाती है तो अगर वो मल्टीप्लाई में है किसी नंबर के साथ तो वो डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है। तो 9 के साथ बी क्या है, बी के साथ 9 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 9 जो होगा इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 9 से 36 को काट देंगे, 9 चक 4 आ गया, बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमारी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर आपको लेंथ दी हुई होती, ब्रेड्थ पूछते, एरिया दिया होता तो ब्रेड्थ से उसे डिवाइड कर देते, लेंथ हमारी निकल जाती। मतलब ये है कि अगर आपको एरिया दिया जाता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, एरिया को अगर आप लेंथ से डिवाइड करोगे, ये लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ के, तो आपकी ब्रेड्थ आ जाएगी। अगर आपको ब्रेड्थ निकालनी है तो एरिया को आप लेंथ से डिवाइड करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है बॉब वांट्स टू, बॉब कोई लड़का था, वांट्स टू कवर द फ्लोर, किसी फ्लोर को कवर करना चाहता था, किसी रूम की थी वो जो 3 मीटर तो चौड़ी थी और 4 मीटर लंबी थी, ठीक है। मतलब चौड़ाई और लंबाई तो रेक्टेंगल यानी आयत में होती है, तो चौड़ाई और लंबाई हमें दे रखी है। बाय स्क्वायर टाइल्स, कैसी टाइल लगाना चाहता था, उसमें सारी स्क्वायर होनी चाहिए लेकिन था कैसा फ्लोर, रेक्टेंगल शेप का। तो उस पहले हम उस रूम का क्या निकाल लिया हमने, एरिया। एरिया क्या होगा, क्योंकि रेक्टेंगल शेप का है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, 3 मीटर चौड़ाई थी, 4 मीटर लंबाई थी, तो 3 गुना 4 यानी कि 4 12 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में था तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये तो हमारे पूरे कमरे का एरिया हो गया, ये हमारा कमरा था ना, इस पूरे कमरे का एरिया हो गया जितनी जगह उसने घेरी दी। अब इसमें हमें क्या करना है, छोटी छोटी स्क्वायर की टाइल्स लगानी है, स्क्वायर शेप की टाइल्स लगानी है। अभी हमें ये नहीं पता हमें टाइल्स लगानी कितनी है, इसी तरीके से पूरी स्क्वायर टाइल्स लगा के हमें इसे भर देना है, ठीक है। अब स्क्वायर, जब आप किसी कमरे में एक टाइल लगाओगे तो उसका एरिया तो पूरे कमरे के एरिया से छोटा ही होगा, ठीक है। हमें उसने आगे कहा इफ़ ईच स्क्वायर टाइल जो है उसकी साइड 0.5 मीटर है, तो एरिया हम इसका निकाल सकते हैं कितना होगा, साइड क्योंकि स्क्वायर टाइप की है तो साइड इंटू साइड हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.5, 5 5 25, 0.5 पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, जब भी 2 पॉइंट वाले नंबरों को गुणा किया जाता है तो गिन लो, पॉइंट के बाद कितने नंबर, पॉइंट के बाद कितने नंबर, 2 नंबर हैं, एक इसमें, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर ही आंसर में हमारे होने चाहिए। तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया किसका आ गया, स्क्वायर का। अब हमें उस रूम का एरिया पता था और उस पर जो छोटी सी टाइल लगानी है उसका एरिया हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ इससे एक कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर करना कि ये जो पूरा एरिया है ये किसके बराबर होगा, ये बड़ा वाला जो एरिया है ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक टाइल का एरिया को, क्योंकि सारी सब टाइल्स की जो एरिया है वो सेम ही होगा, अगर ये 5 है, ये 5 सब 5 5 5 5 के ही होंगे, एक टाइल का एरिया अगर 5 है, एक टाइल का एरिया हमने लिख लिया इधर, इस एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, अगर एक टाइल का एरिया हमें पता है और हमें पता है कि कितनी टाइल्स उसमें लगाई गई हैं, मान लिया हमने एन टाइल्स लगाई है, कितनी टाइल्स लगाई हैं, एन टाइल्स, ठीक है। तो जो एरिया बन के आएगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के ही बराबर होगा। सिंपली कहने का मतलब ये है कि रेक्टेंगल का जो बड़े वाला जो एरिया होगा, पूरा कमरे का जो एरिया होगा फर्श का, उसका एरिया छोटी जो स्क्वायर टाइल उसके अंदर लगाई जाएगी, जितनी भी टाइल्स लगाई जाएंगी सबके एरियाज को जोड़ करके जो एरिया आएगा वो रूम का ही एरिया होगा। यानी कि अगर एक टाइल लगती है तो एन टाइल्स लगाई जाएंगी, तब वो जो एरिया बन के आएगा, तब सारा एरिया आ जाएगा, वो हमारे रूम के एरिया के बराबर होगा। और हमारा रूम का एरिया कितना है, 12 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल कितना है, 0.25 मीटर स्क्वायर, और लगाएंगे कितनी टाइल्स, एन टाइल, क्योंकि हमें पता नहीं एन कितना है, ठीक है। तो भी एन के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 12 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 12 बटे 0.25 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, इक्वल टू के दोनों साइड में है, इज इक्वल्स टू एन, पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या जाएगा, सो पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो बढ़ाएंगे ऊपर और 1
पॉइंट का तो बना दिया वन, पॉइंट के बाद दो नंबर थे ऊपर बढ़ेंगे दो जीरो, ये याद रखना है ठीक है, कि नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बढ़ा ऊपर सौ लिखा जाएगा, अगर ऊपर से हटाते तो नीचे सौ लिखा जाता। 25 चौक 100, 12 की 4 से गुणा हो जाएगी, 12 चौक 48, तो एन की वैल्यू कितनी आती है 48, तो यानी इसमें 48 टाइल्स लगाई जाएंगी ठीक है। 48 को आप एक एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल से गुणा करके देखना, 12 ही आएगा। इसका मतलब है कि एक स्क्वायर टाइल का एरिया निकालो, जितनी स्क्वायर टाइल्स आपको दे रखी हैं उससे गुणा करो, तो जो एरिया आएगा वो आपका एरिया ऑफ द रूम ही आएगा, फर्श का एरिया ही आएगा। तो यहाँ से सीधा आप याद रखना कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले कि एक बड़ा रूम है उसमें टाइल्स लगानी है ठीक है, तो उस रूम का फर्श का एरिया निकालो, जो छोटा वाला एरिया होगा छोटे वाले एरिया से बड़े वाले एरिया को डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगानी होंगी। तो ये आज का एरिया का कॉन्सेप्ट था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू क्लास।